जो गुफ्तगु इंशाअल्लाह जारी रहेगी वो है इस्लाम और हजरत मोहम्मद हुसैन। क्या ताल्लुक है इस्लाम का सैयदुश्शुहदा से और सैयदुश्शुहदा का क्या ताल्लुक है इस्लाम से। मौजूदा दौर में इस मौजू की बहुत अहमियत है, इसलिए कि खुद मुसलमान ही को नहीं पता है इस्लाम क्या है। मगर खुशनसीबी ये है कि दुनिया के गोशो कनार जहाँ भी आप चले जाइए किसी जगह इस्लाम का नाम पहुँच चुका है। आप कहीं भी चले जाइए किसी मजहब को किसी धर्म को जानते हो या ना जानते हो मगर इस्लाम के बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ आपको गुफ्तगु करते हुए डिबेट करते हुए मुकालमा करते हुए होटल पर कहवाखानों में घरों में सड़कों पर स्ट्रीट पर बाजारों में कल्बों में टीवी चैनलों पर इस्लाम के बारे में गुफ्तगु करते हुए मिल जाएंगे। बस मुश्किल इनकी ये है कि ये इस्लाम के बारे में अपनी बातें बताते हैं, खुद इस्लाम के बारे में नहीं जानते। इनकी मुश्किल ये है ना, ये बेचारे पुराने मजीद पढ़ सकते, अगर इनके सामने रख दो कि जरा सा पढ़ के सुना दीजिए तो कुरान नहीं पढ़ पाए। अच्छा उनसे पूछिए आप क्यों इस्लाम के बारे में राय करें, इजहार राय का तो सबको इख्तियार है, हक है, फितरी हक है, हर आदमी अपनी बात कह सकता है। तो हम इनसे कहते हैं क्यों नहीं डिफेंस के बारे में गुफ्तगू करते, क्यों नहीं तुम साइंस के बारे में गुफ्तगू करते, तो कुछ नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, इसलिए कि वो जरा महंगा है, पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद गौर से उसे समझना पड़ेगा, फिर अगर कुछ कहना चाहेंगे तो 10 लोग और उसके एक्सपर्ट, तो उसमें डर है। सबसे ज़्यादा पतली गर्दन इस्लाम की कि सब छुरी अपनी तेज करते हैं। और इस्लाम की मुश्किल ये है, जो मजहब है, तवज्जो चाहूँगा, इस्लाम की मजबूरी ये है कि वो मजहब है। यहाँ पर भी सब कहते हैं मजहब के बारे में तो कोई भी इजहार राय कर, अरे भाई आप इजहार राय कीजिए मगर पढ़ के कीजिए, आलिम बन के कीजिए, दानिश्वर बन के कीजिए, लेकिन वो नहीं, नहीं हम बेपढ़े इस्लाम के बारे में राय कायम करेंगे। तो अब बताइए इस राय की क्या अहमियत होगी। यही हाल इधर सैयदुश्शुहदा का, दुनिया में आप कहीं भी चले जाइए चाहे इमाम हुसैन को तफसील डिटेल से ना जानते हो मगर नाम हुसैन हर जगह पहुंचा हुआ है। बहुत तवज्जो चाहूँगा मैं आपने, नाम हुसैन हर जगह पहुंचा हुआ है, बस एक फर्क है, एक फर्क है, बहुत तवज्जो मैं आपको चाह रहा हूँ, एक फर्क है, इस्लाम का भी नाम पहुंचा हुआ है, इमाम हुसैन का नाम भी दुनिया में पहुंचा हुआ है। इस्लाम के बारे में तो हजारों किस्म की राय आपको मिलेंगी, मुस्बत मनफी, और शायद बाद जगह के ऊपर मनफी ज़्यादा, मगर क्या कारनामा हुसैनी है, जहाँ दुनिया में चले जाओ सिवाय मुस्बत राय के कोई और राय इमाम हुसैन के बारे में नहीं।
ज़्यादा इमाम हुसैन के चाहने वाले, जो इस्लाम को नहीं मानते मगर इमाम हुसैन को मानते, इस्लाम को कबूल नहीं करते मगर सैयद शुहदा को गले से लगाए हुए, हद हो गई कि बहस होती है कि हुसैन जैसा किरदार हमारी हिस्ट्री में कैसे ईजाद किया जाए। आप तवज्जो करें, और ये कदीम बहसों में से, यानी एक ऐसा कारनामा है इमाम हुसैन का करबला में, इस कदर अहमियत है, इस कदर आफाकी है, इस कदर पूरी दुनिया की मसाइब और मुश्किलात और शक्तियों को अपने दामन में सब समेटने वाला वाकया है कि मुख्तलिफ दुनिया के थ्योरीजियन नगरिया देने वाले, तफक्कुर रखने वाले इस सोच में पड़ गए कि ये किरदार अपने मजहब में कैसे लाया जाए। एक इमाम हुसैन, दूसरा कैसे बनाया जाए, दूसरी लफ्जों में एक हुसैन दूसरा कैसे बनाया जाए। तशरीफ ले आगे। अच्छा, क्या कीजिएगा बनाने, क्या कीजिएगा? ये तो भाई साहब बनाने वालों से पूछिए, अगर इमाम हुसैन में कोई खास बात ना होती तो बनाने की फिक्र क्यों ईजाद होती? अगर कोई खास बात ना होती तो इमाम हुसैन दूसरा हुसैन बनाने की फिक्र क्यों होती? अब इधर भी है, इधर भी देख लीजिए, एक पार्ट और है और इसकी तरफ हमें तवज्जो देने की जरूरत है। उधर तो ये है कि हुसैन का जैसा किरदार हमारे यहाँ नहीं है, लिहाजा हमारे यहाँ एक हुसैन जैसा किरदार होना चाहिए। मैं वादे कर दूँ तब आगे बढ़ता हूँ। ईसाइयों ने आज से नहीं, न जाने कब से ये खलिश मिटाने की कोशिश की कि ईसा को ऐसे पेश करो कि जैसे हुसैन की मजलूमियत है। क्यों? इसलिए कि हम ईसा के जरिए से दुनिया में ईसाइयत को पहुंचाना चाहते हैं और चाहते हैं सबको ईसाइयत के दामन में ले लें। मजबूरी क्या है? मजबूरी यह है कि ईसा हुसैन नहीं बन पाए, सूली पे चढ़ा दिया, फांसी पे चढ़ा दिया, मगर दायित्व है। हज़रत ईसा इमाम हुसैन नहीं बन पाए, तो एक तरफ तो इमाम हुसैन बनाने की कोशिश। अब इधर आइए, मुहर्रम का आगाज हो गया, सुनिए। दूसरी तरफ ये है, जिनके पास इमाम हुसैन हैं उनसे शख्सियत इमाम हुसैन को छीन लो, सिर्फ आज़ादारी रह जाए, नाम इमाम हुसैन रह जाए और अंदर के सब खाली हो जाए। और तवज्जो चाहूंगा मैं आपकी, तो आज के दौर में इस्लाम को भी पहचानने की जरूरत है, क्योंकि सारी दुनिया में इस्लाम के ऊपर ही यलगार हो रहा है, किसी मजहब के ऊपर कोई यलगार नहीं है, कैसा भी हो, कैसी कैसी चीज। अरे आप देखते हैं, आप हिंदुस्तान में रहते हैं, माशाल्लाह मजहब का अजायब खाना है हमारा हिंदुस्तान। आप निकल जाइए तो बदन पे कपड़ा भी नहीं है, तब भी वो उनके लिए लीडर है, वो सब चले आ रहे हैं बीच में, चाहे जैसे किस तरीके से भी। इसके ऊपर कोई डिबेट नहीं करता, इसके ऊपर कोई डिबेट नहीं होता। उनको लंगोटिया पहना दो, उनको धोती पहना दो, और उनके मसलन हाथ में गदा दे दो और गुंडा पहना दो, ये कर दो वो कर दो, और यहाँ बिठा दो वहाँ बिठा दो, इसके ऊपर डिबेट नहीं होगा। पड़ी हुई है कहाँ की बात कर रही है, इस्लाम की।
किताब खोले हुए एक अच्छा है कि बात कर रही बी एम ए की, हम अजीब गरीब आप कौन है, कहां से आई हूं, किसकी बातें कर रही हूं। इसका मतलब इसमें एक गहराई है, वो गहराई ये है कि मैं कुछ यही समझा कि इस दुनिया में आज भी इस्लाम के अलावा मजबूत फितरी अल्लाह वाला कोई और दीन और मजहब है ही नहीं, तभी तो इतनी बातें हो रही हैं। ताकि चेहरा इसका बिगाड़ दिया जाए, खुद इसके मानने वाले कंफ्यूजन का शिकार हो जाएं, खुद ही ना समझ सकें इस्लाम आएगा। अब आइए इस तमहीद के बाद, इस्लाम चला कहाँ से, क्या ताल्लुक है इमाम हुसैन से इस्लाम का। इस्लाम चला है मक्के, इस्लाम चला है पैगंबर, इस्लाम चला है रसूल खुदा से। रसूल खुदा कौन है, जो इस्लाम लेकर के आए, इस्लाम को उन्होंने पहचानवाया। अच्छा कब पहचानवाया, 18 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में, नहीं, खामोशी से जिंदगी बसर हो रही है, खामोशी से जिंदगी बसर हो रही है। किसके दरमियान, जहां इंसानियत नाम की चीज नहीं है, कत्ल गारत गरी आम है, बेइज्जती आम है, कुफ्र शिर्क आम है, बुत परस्ती आम है, इंसानी कदरें नहीं है, बड़े लोगों का बोलबाला है, गरीबों को कोई पूछता नहीं है, आबो हवा के एतबार से सबसे बदतरीन जगह है, कुछ नहीं, न इंसानी वैल्यूज है, न जोग्राफिया में कोई खास बात है। आज भी अरब को कहा जाता है संगलाख, संगलाख का मतलब क्या है, पठार, पठारी जमीन, पथरीली जमीन, जहां आप पानी नहीं निकालते। अब पानी नहीं है तो बताइए कैसे हयात हो, कैसे जिंदगी हो। अल्लाह ने वहां अपने पैगंबर को भेजा, मैं अपने अल्फाज में कहूं खाली बस आंखों से थोड़ा सा नींद का गलबा हटाने के लिए, अगर इतने ही अल्लाह मियां कुदरतमंद था तो किसी सब्जादार में अपने पैगंबर को उतारता, जहां हर तरफ से फल फ्रूट पानी दूध की नहरें, करना यही तो नहीं करना है, हमें इस दुनिया में भेजना है और इसी पठारी जमीन को जरखेज बनाना है, इसी संगलाख को हमें उपजाऊ बनाना है। या लमिया गंदुम उगेगा, जौ उगेगा, मटर फलियां उगेगी, दाने उगेगी, का नहीं ये सब नहीं, इसलिए पैगंबर नहीं भेजा था, भेजा जाता, वो तो तुम्हारा काम है, खुद ब खुद तुम कर लोगे अपने तजर्बे की रोशनी में। पैगंबर इसलिए भेजा जाता है ताकि वो आदमियों को इंसान बनाए। हमने इसलिए इंतखाब किया है ताकि इल्जाम ना दो, अरे उनके थे लिहाजा वहां भेज दिए, अरे यहां भेजते तो देखता क्या कर लेते। अब कहो ना आदमी ना आदमजात, ना पानी ना कुआं ना सब्जादार ना कुछ भी नहीं, गाली बदतमीजी बदअखलाकी मजनून पागल दीवाना शायर सब कुछ पैगंबर बर्दाश्त कर रहे हैं, वो है हिमालिया की तरह से अपनी जगह से खिसकते नहीं, पर लबों पर मुस्कुराहट है। क्या मुस्कुराहट है, दिल में एक ही चीज है, परवरदिगारा तो इन्हें माफ कर दे, ये मुझे पहचानते हैं। ये वो नुक्ता है पैगंबर की जिंदगी में जो आखिर तक चलेगा, कि आदमी पैदाइश से लेकर के पढ़ लिख ले तब भी आखिर तक जाहिल रहेगा,
और इसे चाहिए कि अपने इल्म को बढ़ाता रहे चाहे जिस सतह पर पहुंच जाए। इसीलिए पैगंबर ने कहा था, या अली, या तो मैंने तुझे पहचाना या तो तूने मुझे पहचाना। तो इल्जाम ना दीजिए उन लोगों के ऊपर, ये बड़े लोगों की बातें। तो जब अली को नहीं पहचान सके, रसूल खुदा को नहीं पहचान सके, तो दुनिया इमाम हुसैन को क्या पहचानेगी। पैगंबर को भेज दिया, पैगंबर तबलीग नहीं कर सकते, अभी खामोश रहिए, देखें। हाँ, ये सब आप तक सुना हुआ है, मैं तो बस आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ ना, जैसे तैरता उसके बाद धीरे आगे बढ़ता है और बीच में पहुंच जाता है। तो मैं अभी आपकी मालूमात से थोड़ा सा, अच्छा ये नहीं होता, मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि 40 साल बहुत उम्र होती है, क्योंकि इस्लाम में भी कहा गया है कि उम्र की कदर करो। और पैगंबर का 40 साल क्या तुम बर्बाद हो गए? बहुत तवज्जो चाहूंगा, वाकई बहुत मुर्दाताना कदम आदमी बढ़ाए, बड़ी मुश्किल है। जर्रा बराबर पैगंबर के बारे में तो कुफ्र का फतवा आ जाएगा, अल्लाह के बारे में तो उधर भी नहीं। वक्त नहीं बर्बाद हुआ, यही 40 साल कैरेक्टर बना, किरदार बना, जो हजारों लाखों सफहात अगर कयामत तक लिखे जाते रोज सिकंदों में, तब भी इस जगह को पुर नहीं कर सकते थे। ये कुदरत की निगाह में बहुत अहम था। पैगंबर बोलने वाले आते रहेंगे, लिखने वाले आते रहेंगे, डिबेट करने वाले आते रहेंगे, आना दिखाने वाले आते रहेंगे, हम बनने वाले आते रहेंगे, मगर दुनिया का काम इनसे नहीं चलेगा जब तक किरदार नहीं पेश करोगे। पैगंबर आप मामूर हैं इस बात पर कि जहां जबान से आप अपनी फिक्र को फैलाएं, वही अमल करके दिखा दे ताकि आदमियों के लिए आसान हो जाए। पैगंबर ने आसान बना दिया, अपनी जिंदगी पेश करके इस्लाम को आसान बना दिया। और ये आसानी ही थी कि जिन लोगों ने 40 साल 50 साल शिर्क और कुफ्र की गलागत में गुजारा था, बच्चे की तरह से अलिफ बे पढ़ करके इस्लाम ले आए और कलमा गो हो गए। ये पैगंबर का कारनामा है, वरना 50 साल का बुढ़ा अलिफ नहीं कह पाता आखिर तक, बड़ी मुश्किल होती है। सात सात का मकरब इसका सही नहीं हो पाता, मगर पैगंबर का ये कारनामा है कि पैगंबर ने इस तरह किरदार अपना पेश किया कि जो लोग मुशरिक थे, जो लोग काफिर थे, जिनका अपना बनाया हुआ मजहब बहुत अहम था, दिल से लगाए हुए थे। क्या आपको याद नहीं तारीख में खलीफे दोगुन से पहले उनकी बहन मुसलमान हो गई थी, उनके दामाद मुसलमान हो गए थे, आदतन ये डंडा लेके दौड़ते थे, पता चला अरे ये क्या पढ़ रही हो, सुन तो लिया था कुछ, उसकी हलावत उसकी मिठास कानों में पहुंच चुकी थी। जरा फिर से पढ़ू, आए थे तंबीह करने, मगर कुरान ने उन्हें अपना जादू इस तरह से फेरा कि कहने लगा फिर से पढ़ के सुनाओ। अब जो बहन ने फिर से कुरान पढ़ा तो पैगंबर के पास आए, या रसूल अल्लाह, मैं तो आया इस नियत से था कि आज बस कत्ल ही कर दूंगा, मगर क्या करूं। ये कारनामा है कुरान मजीद। आज तबीयत की मैले से बस जरा जरा समय चाह रहा हूँ कि बात आगे तक पहुँच जाए। अच्छा, ये इस्लाम पैगंबर के घर में अभी घुटनियों के बल चल रहा है। भाई 40 साल बाद जब आप ऐलान करेंगे कि मैं इस्लाम लेकर के आया हूँ,
तो तारीख के एतबार से कई साल आपके पास बचता है? टोटल इस्लाम के ऐलान पर 13 ही साल, तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है बोले नहीं, इस्लाम के ऐलान के बाद 13 साल और कुल मिला करके 53 साल मक्के के सरजमीन पर आता है, 10 साल मदीने में। तो अभी मक्के की बात हो रही है, अभी मदीने हम नहीं पहुँचे, अभी मक्के की बात हो रही है। 40 साल पर ऐलान है इस्लाम कि मैं नबी बना के भेजा गया। अब कारनामे इस्लाम आपकी जबान से और काफिले इस्लाम जब आप कलमा पढ़वाएंगे तो आगे बढ़ेगा। इतना डूबता लोग मुसलमान हुए, 3 साल तक आपने छिप छिप के तबलीग की, 3 साल के बाद हुआ कि आप अपने घर वालों को बुलाइए। सबसे पहले अपने घर वालों को आगाह कीजिए कि आप पैगंबर हैं, यही है ना तारीख, यही है इस्लाम की। अब जब अपने घर वालों को बुलाया तो उसमें सिर्फ अपने ही घर वाले थे, कोई और नहीं था। अभी अली अलैहिस्सलाम 13 बरस के, टोटल 13 बरस के, क्योंकि जब पैगंबर 30 साल के थे तो अली की विलादत हुई, 30 साल के जब आप थे तो मौलाए कायनात की विलादत हुई। हम मौलाए कायनात से क्या था, इंतजाम करो कौन है, मदऊ कौन है, दावत में कौन है, घर वाले। तो मैं ये इसलिए मेंशन कर रहा हूँ ताकि ये हमारे जवान समझ जाएं कि तारीख इस्लाम कहाँ से शुरू हुई है। अभी इस्लाम के बारे में गुफ्तगू नहीं कर रहा हूँ, तारीख इस्लाम के बारे में गुफ्तगू कर रहा हूँ कि इस्लाम का आगाज 40 साल की उम्र से हुआ ऐलान रिसालत, और 3 साल पैगंबर खामोशी से एक एक आदमी को अपना मजहब बताते रहे। अगर उसके अंदर सलाहियत थी, मुसलमान हो गया और कहा तकैया करो, समझे चाहूंगा पैगंबर ने कहा तकैया करो, अभी जाहिर न करना, किसी को न बताना। कुछ लोग मुसलमान हुए, अब अल्लाह ने कहा कि अब सबसे पहले अगर ऐलान करना है तो अपने घर वालों को बुलाइए। याद रखिएगा, अगर कोई काम अच्छा है तो पहले घर में तजर्बा होना चाहिए, तब बाहर तजर्बा होना चाहिए। ये इस्लाम की फिक्र है, बुनियादी फिक्र है। पैगंबर अपने घर वालों को आए दूसरी वानदिर अशीरतकल अक्रबीन, पैगंबर अपने घर वालों को, अक्रबीन का मतलब नज़दीकी तरीन यानी पूरी रिश्तेदारी से हम कहते हैं, उनको बुलाइए। अब इसमें कौन कौन है, सबसे पहले तो आपके चचा सैयद बथा जनाब अबू तालिब, दूसरे चचा जो अभी दूसरे ही घर, दूसरा नहीं कहें अभी, अभी जो आगाज है ना, दूसरे चचा अबू अबू लहब, बस सगे चचा ये सब पैगंबर के सगे भाई, दो बड़ी शख्सियत थी। बकिया जनाब हमजा, जनाब हमजा भी मौजूद, अब्बास जिनका पूरा सिलसिला चला बाद में, ये सब और बकिया। पैगंबर खड़े हो गए मजमे में, खाना वाना खिलाया, पहले खिला लिया, सालन था, बोटियां थी, हाँ घी भी था, सब कुछ था, खिलाया विलाया, उसके बाद से कहा अली हटा हटा दो, दस्तखान बढ़ा दो, बढ़ा दिए। अब उठे और मजमे को बड़ी हैरत, ये क्या होने वाला है, इनको क्या हो गया है, ये क्या कहना चाहते हैं, खैर किसी को पता नहीं था, अभी तो सब भ्रम में थे, हाँ क्या होने वाला है। ओ खड़े हो गए पैगंबर, कहा कि मैं अल्लाह की जानिब से पैगाम लेकर के आया हूँ, और ए मेरे घर वालों, मैं नहीं जानता कि मेरे अलावा अपने घर वालों के लिए कोई ऐसा तोहफा लेकर के आया हो कि जिसमें दुनिया और आखिरत दोनों की बड़ाई पाई जाती। ये अल्फाज तारीख जो पैगंबर ने पहले कलमात जब ऐलानिया तौर पर इस्लाम को पेश किया तो अपने घर वालों,
ना इन कलमात से आशना, ना इन किस किताबत से आशना, ना इन अल्फाज से आशना। आधे भटी की पैगंबर ने गजब कर दिया। अगला फिक्रा, और जो आज मेरी नुसरत का वादा करेगा, जो आज मेरी मदद का वादा करेगा, वही मेरा जानशीन होगा, वही मेरा खलीफा होगा, वही मेरा वजीर होगा, वही मेरा भाई होगा। ओ, लंबी चौड़ी फहरिस्त आपने सब बयान कर दी, अब तो सब और ये क्या कह रहे हैं, यानी अबू तालिब इनके भाई हो जाएं, अब्बास चचा इनके भाई हो जाएं, अबू लहब इनका मददगार हो जाए, वही यही सब तो अभी जहन में आएगा। गजब पे गजब अली खड़े हो गए। 13 साल के या रसूल अल्लाह मैं, ये या रसूल अल्लाह भी हो गए। नहीं आप और नहीं कर रहे, अभी तक पैगंबर बोल रहे थे, किसी ने इकरार नहीं किया था, समझते चाहूंगा, किसी ने इकरार नहीं किया था। मजमा भी कौन है, घर वालों का, तो इसका मतलब अगियार नहीं है, चाहूंगा मैं आपको, गैर नहीं है घर वाले, भाई गैर कैसे घर में आ जाएगा, करीब में कैसे हो जाएगा, पूरी रिश्तेदारों में कैसे हो जाएगा, तो इसका मतलब मक्के वाले नहीं है, मक्के में घर वाले हैं। और पहली आवाज या रसूल अल्लाह मैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि या रसूल अल्लाह की आवाज बड़ी पुरानी आवाज है। या रसूल अल्लाह मैं, मगर रसूल खुदा रिवाइज कर रहे हैं, जैसे सुना नहीं। अरे बच्चे हैं, जो भी लोग नजरअंदाज करते हैं, तो यहाँ सियासत है, मसला है, पैगंबर ने नजरअंदाज कर दिया, कोई महीने से नहीं उठा। और उस आलिम दीन के, ये तो आजाद जमीर का फैसला था, यहाँ कोई भी उठ जाता अपनी राय का इजहार करता, वही पैगंबर का जानशीन होता, वही वजीर होता, इसलिए कि पैगंबर ने कोई कंडीशन नहीं लगाई थी कि ये सिफत होना चाहिए, ये इल्म होना चाहिए, ये तहारत होना चाहिए, तक्वा होना चाहिए, एज इतनी होना चाहिए, दाढ़ी छोटी हो या बड़ी हो, ये सब तो कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। कोई भी उठता तो पैगंबर का जानशीन होता, मगर कुछ लोग अपने माथे पर लिखा करके आते, पैगंबर ने बिठा दिया। जब कोई नहीं उठा, फिर पैगंबर ने इन्हीं अल्फाज को दोहराया दोहराया, फिर अली उठे, फिर अली उठे। जब 3 बार ये मामला हो गया, तब पैगंबर ने कहा, यही मेरा वजीर है, यही मेरा जानशीन है, यही मेरा भाई है, यही मेरा मददगार है, यही दीन में मेरा मुआविन है। बात खत्म हो गई, आज इस्लाम का ऐलान हो गया। अब घर से ये बात पूरे मक्के में नशर हो गई कि मोहम्मद ने अपनी नबुव्वत का ऐलान किया है, और उनको दावा है मैं नबी हूँ, मुझे अल्लाह ने किताब दे करके भेजा है। पर जैसे ही ये मक्के में खबर आम हुई, तो विलायत वगैरह अभी कुछ नहीं, वजारत अभी कुछ नहीं, सबसे पहले पैगंबर के मुकाबले में आंधियां चलना शुरू हुई। किसकी जानिब से, जो एक अल्लाह को नहीं मानना चाहते, जो एक खुदा पर भरोसा नहीं रखते थे, वो औरत वो पैगंबर के मुकाबले में आ गए। पहले बातों से मुखालिफत मुखालिफत पर मुखालिफत, और अब पैगंबर अपना दिफा कर रहे हैं, डिफेंस कर रहे हैं, कोई नहीं है कि उनको बचाए। एक शख्सियत है जो पैगंबर के साथ हर जगह मौजूद है, और वो कोई और नहीं है, वो आपके चचा अबू तालिब, हर जगह मौजूद, नहायत हसीन अंदाज से, नहायत खूबसूरत अंदाज से, बड़ो
को समझाना आसान नहीं था और अबू तालिब के ऊपर अभी इल्जाम ना आने पाए कि ये अपने भतीजे के तरफदार हैं, वरना अगर ये इल्जाम आ गया तो रसूल खुदा की दावत यही ठप हो जाएगी, फिर आगे नहीं बढ़ेगी। आप कहेंगे कि कुदरत का कमाल, मशीयत परवरदिगार, मौजदा, तो दुनिया में अल्लाह मौजदा नहीं करना चाहता, वो चाहता है इन्हीं असबाब के जरिए, तो दुनिया में है उन्हीं असबाब के जरिए ही से अल्लाह का काम हो। तो मैं दोस्तों एक जुमला कहना चाहता हूँ, जब अल्लाह अपने कामों को कि जो कुदरत रखता है मौजदे के जरिए अंजाम दे सकता है, मगर मौजदा नहीं दिखाता और पैगंबर को छोड़ देता है ताकि दुनिया के असबाब से फायदा उठाए, तो वो हमारे बारे में कैसे मौजदा कर सकता है। हमारे लिए भी चाहता है कि जो असबाब हैं हम उससे फायदा उठाएं और तरक्की करें, ये इस्लाम का मिजाज है। अबू तालिब से इतना फायदा उठाया जा सकता था, वो सरदार कुरैश थे, अपनी सरदारी लेकर के आते और सरदार बन के रहते, मैं हूं मैं कह रहा हूं ऐसा होना चाहिए। आगे जनाब अबू तालिब बात मानना है भाई हमारे सरदार के पास, अब उनके पास चले आ रहे, अपने भतीजों को मना कर दीजिए, ये बातें छोड़ दें, अगर पैसा चाहिए तो पैसा देने के लिए तैयार, अगर बादशाह बनना चाहते हैं तो उनको अपना बादशाह कबूल कर लेंगे, अगर किसी अच्छे कबीले में शादी ब्याह करना चाहते हैं उसके लिए भी तैयार। यानी दुनिया की जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं सियासतदानों के पास, जो आज आप देख रहे हैं सारी पेशकश एक जगह एक ही तराजू में लाके रख दी, मगर पैगंबर का काम दुनियावी काम नहीं था। क्यों? इसलिए बहुत तवज्जो चाहूंगा, जब पैगंबर ने ये ऑफर सुना कि ये कर दूं ये कर दूं ये कर दूं, अगर आप ये चाहते हैं तो पैगंबर ने इसमें से किसी चीज का नाम नहीं लिया, एक अलग से बात कही कि जिसने बता दिया कि पैगंबर कहां इस इंसानियत के काफिले को ले जाना चाहते हैं। पैगंबर ने दौलत का नाम नहीं लिया, धन का नाम नहीं लिया, प्रॉपर्टी का नाम नहीं लिया, किसी चीज का नाम नहीं लिया। कहा अगर मेरे एक हाथ पर सूरज एक हाथ पर चांद रख दिया जाए तब भी मैं अपने हक से कि जो मैं अदा कर रहा हूँ नहीं फिरूंगा। गोया पैगंबर बताना चाहते हैं ए वक्त के इंसानों, मैं तुम्हें जमीन पर हो आसमान पर पहुंचाना चाहता हूँ, तुम अगर हमें दे भी सकते हो, जमीन की चीजें दे सकते हो, आसमान की चीजें नहीं दे सकते, लेकिन मैं वो हूँ कि जमीन भी मेरे अख्तियार में है आसमान भी मेरे अख्तियार में है। कि तुम भी ऐसे हो गए और तुम भी जुदा हो रहे हो, जो रकावटें होती हैं
और तुमको तो हम बड़ा जहीन समझते थे और ये समझते थे वो समझते थे तुम बोला। तो अब जाहिर बात है कि इस तरीके से जब मुझसे कहा गया जो अभी तारीफें कर रहा था और उसके भी गोया उनके नज़र में बैठने के चांसेस थे, तो उसने कहा यार अभी ये तो हमारे बारे में इस तरह ख्याल रखते हैं कि मैं बहुत बड़ा दानिश्वर हूँ, बहुत बड़ा लिखा हूँ, बहुत बड़ा जमादार हूँ, तो और तो कुछ सोचना पड़ेगा। तो इन्हीं साहब ने कहा कि देखो हम अगर ये बात कहते हैं तब तो मसला बड़ा टेढ़ा हो जाएगा। हाँ, इनको शायर मशहूर कर दो। अच्छा, क्यों शायर मशहूर कर दो, इसकी भी वजह है क्योंकि शेर की बुनियाद अमूमन अमूमन झूठ पर होती है, मुबालगे पर होती है, खास तौर से अगर गैर इस्लामी शायरी। इस्लामी शेर में भी आप देखेंगे तो बहुत कुछ अपने ख्यालात होते हैं और उसकी कोई बुनियाद नहीं होती है। इसलिए कुरान ने मना भी किया है कि शायरों के पीछे मत चलो, मना किया है। उसके बाद आगे कहा है मगर वो शायर कि जो अल्लाह पर ईमान रखता है और मजलूमों की मदद करता है। तवज्जो चाहूँगा, कुरान क्या कहते हैं, कहते शायरों के पीछे मत भागो, शायरों की बातों को मत मानो। क्यों? इसलिए कि ये झूठ के ऊपर अपने शेर की बुनियाद रखते हैं। लेकिन वो शायर जो अल्लाह पर ईमान रखता है, जब अल्लाह पर ईमान रखता है यानी वाकई कलबन, तो डरेगा झूठ कैसे बोलेगा, और मजलूमों की मदद करता होगा। एक चीज और क्लियर हो गई, इसका मतलब शायरी में बहुत दम है। अगर शेर मजलूमों की मदद के लिए आ जाए तो बड़े बड़े जालिम के पैर उखड़ जाते हैं। बस एक लफ्ज मैं कहना चाहूंगा कि जिसे मैंने दिल्ली में भी कहा कि अगर आज हमारे नौहे में सही मजमून पेश करने की शुआरा में कुव्वत पैदा हो जाए तो यकीन करें यही नौहे न जाने कितने नान मुस्लिमों को शिया बनाने की कुव्वत रखते हैं। हमारे नौहों में दम नहीं हुई, हमारे नौहों में दम नहीं हुई। और ये सब कहने का वक्त आ गया है। हम लोग जो पढ़ते हैं आप भी थक चुके हैं, हम भी थक चुके हैं, पूरी कौम थक चुकी है, मगर लय के ऊपर चल रही है ये कौम, लय के ऊपर चल रही है। नहीं, शेर बदलना होंगे। अगर हुसैनियत को पहचानवाना है तो उसमें मजमून देना होगा, आपको करबला को पेश करना होगा, ऐसे शुआरा पैदा करना होंगे कि वो इमाम हुसैन के मकसद की तर्जुमानी कर सके। आप बगैर इसके नहीं पेश कर सकते। मुझे याद है, शायद यहाँ नकल किया है नहीं, लेकिन सुन लीजिए, हो गया मेरा ख्याल शायद चार साल पाँच साल हो गया या उससे ज़्यादा हो गया, जब पुणे के पास नहर है वहाँ मैं पहली बार या दूसरी बार जब गया, मुझे याद नहीं है, मजलिस से पढ़ने, तो कुछ दिन गुजरने के बाद मोमिनीन में से कुछ लोग आए और एक साहब ने कहा मौलाना हमारे यहाँ एक तारीखी जुलूस उठता है, फुला तारीख, और इस रास्ते से होता है, वो बड़ी आबादी, मिली जुली आबादी, डेढ़ दो लाख की आबादी, जो नहर नाम जगह कहेंगे हमारे तारीखी जुलूस उठता है, बहुत बड़ा जुलूस उठता है, हजारों की तादाद में लोग होते हैं, और फिर डेढ़ मतलब जब जुलूस उठता है सभी आ जाते हैं, कौन को चले इतनी जुलूस ऐसे उठा हुआ था। एक हिंदू भाई पड़े वो तो अपने दरवाजे से निकल करके आए और आने के बाद मदन जी को पहचानते थे उनसे मिले, कह रहे श्रीमान जी मेरी उम्र इस वक्त मसलन 60 साल से ऊपर की हो रही है और मैं कम से कम आपका ये जुलूस 30 साल से 25 साल से यानी जब से वाले हुए शोर बेदार हुआ 30-40 साल से देख रहा हूँ, मगर आज तक नहीं समझ सका कि आप लोग का मकसद क्या है, आप लोग चाहते क्या है, आप लोग ये जुलूस क्यों उठाते हैं। नहीं बोल दिया आपने, नहीं तवज्जो दिया आपने, ये आजादारी, ये मजलिस, ये मातम,
पैगाम पहुंचाने के लिए किसी आलिम किसी खतीब पढ़े लिखे की बात कर रहा हूं। शियत में कोई नहीं पैदा हुआ कि जिसने कहा हो अदादारी मकसद है, किसी ने नहीं कहा मजलिस मकसद है। जब दुनिया के पास मीडिया नहीं था, ज़राए इब्लाग नहीं था, कोई माइक नहीं था, कोई टेलीविज़न नहीं था, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, तो हमारे लोगों ने ज़रिया जो बनाया मकसद हुसैन को पहुंचाने का, वो भी आइम्मा से लिया कि मजलिस बर्पा करो, लोगों को बुलाओ, तज़किरे हुसैन करो और शहादत हुसैन को पेश करो। जब शहादत हुसैन पेश होगी तो सवाल पैदा होगा, क्या बात थी, क्यों शहीद हुए, क्यों कर्बला में मारे गए, क्या चाहते थे। यूं ही कोई अपने घर को नहीं कटा देता। तो जब बात आगे बढ़ेगी तो इस्लाम की बात आएगी, तो जो सही इस्लाम है उसका चेहरा लोग पहचानेंगे। हम तो भूल ही गए, हम तो भूल ही गए, सब कुछ भूल करके। भाई एक चीज है और वो भी रस्म है भाई, रस्म निभा रहे हैं। जो मजलिसों का अंदाज है वो रस्म का अंदाज है। हमारे घर में होती आई है पानी है मजलिस का खुद पता नहीं होता, मजलिस हो जाती तो रस्म नहीं है तो क्या। हम आप ऐसे इंतजाम कीजिए कि हम भी बैठ सके, यानी बानी मजलिस भी मजलिस में बैठ करके मजलिस सुने ताकि उसके दिल पर भी असर हो। उसने कहा मैं 30-40 साल से ये जुलूस देख रहा हूं, आज तक हमको ये ना पता चला कि किस लिए आप। तो अब नौहा खानों की भी जिम्मेदारी बन जाती है, सब खुतबा पे ना छोड़ दीजिए, सब मिंबर पर बैठने वाले को ऊपर ना छोड़ दीजिए, नौहा पढ़ने वाले और नौहा कहने वालों की भी जिम्मेदारी बन जाती है कि ऐसा नौहा कहिए, ऐसा नौहा पढ़िए, ऐसी धुन बनाइए कि लोग खुद ही अट्रैक्ट हों और खुद पूछे उसके बाद ये आपने मिश्रा कहा, ये शेर कहा, ये तो कुछ और बात कहती है, ये कौन है, क्या चाहते हैं, वो जरा बताइए कि ये इस्लाम क्या है, ये हुसैनियत। मेरे अमीजों मेरे बुजुर्गों, इस्लाम की तारीख बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है कि आप कहें बहुत ज्यादा पुरानी है तारीख इस्लाम, बहुत ज्यादा 1400 साल। ईसाइयत उससे 5000 साल पहले या कुछ कमोबेश, यहूदियत उससे पहले। तो अगर आप तारीख देखना चाहें कि सबसे ज्यादा पुराना मजहब कौन सा है तो आप यहूदी हो जाइए, तो सबसे पुराना है। और अगर दरअसल दादादम रहना चाहेंगे तो ईसाई बन जाइए। बात इस्लाम की पुराने और नए होने पे नहीं है, हक के ऊपर होने की, तवज्जो चाहूंगा। और इसी मेयार को यहूदियत में भी अल्लाह ने रखा, भुला दिया गया। इसी मेयार को ईसाइयत में भी रखा, भुला दिया गया। लेकिन हमारे पैगंबर का ये कारनामा है, बहुत तवज्जो चाहूंगा, कि इस अंदाज से इस्लाम को शुरू से ले करके चले कि दुश्मन आज तक हैरान है, हर तरफ से इस्लाम में दाखिल होने की कोशिश की, कोशिश कामयाब भी हुई मगर मुकम्मल कामयाबी आज तक न मिली। आखिरी हरबा कर्बला में हुसैन के मुकाबले, बहुत जल्दी जल्दी कह रहा हूँ, आखिरी हरबा कर्बला में हुसैन के मुकाबले में था, मगर इमाम हुसैन ने मदीने से लेकर के मक्का, मक्के से लेके कूफा, कूफे से लेके पूरा रास्ता, रास्ते लेके पूरा कर्बला, इस तरीके से हिकमत अमली अपनाई कि यजीद वहीं दफन हो गया, हुसैन आज भी बरकरार। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले, ये कारनामा है। हम इमाम हुसैन को इस्लाम के आईने में देखते हैं और इस्लाम के आईने में इमाम हुसैन को देखते हैं। हम इमाम हुसैन को नहीं पेश करते, असल में इस्लाम को पेश करना चाहते हैं। और हुसैन के
को छोड़ करके इस्लाम की सही तस्वीर पेश नहीं की जा सकती। बिल्कुल वैसे ही जैसे रसूल खुदा को छोड़ करके इस्लाम को पेश नहीं किया जा सकता, बिल्कुल वैसे ही। इसलिए कि घर की बुनियाद में एक तरफ नहीं, दीवार चार तरफ होती है तो बुनियाद भी चारों तरफ होती है। एक तरफ को बुनियाद नहीं कहा जाता है और बुनियाद दिखाई नहीं देती, पूरी बिल्डिंग का दारोमदार बुनियाद पर होता है। तो अगर इस्लाम की बुनियाद को आप खोद करके देखना चाहते हैं तो जहां पैगंबर मिलेंगे वहीं अली मिलेंगे, जहां अली मिलेंगे वहीं हसन मिलेंगे, जहां हसन मिलेंगे वहीं हुसैन मिलेंगे। हमारे यहां सहाबियत का बहुत रुतबा है, हमारे यहाँ सहाबियत की बहुत मंजिलत है, मगर हम सहाबियत से इस्लाम नहीं लेते। क्यों नहीं लेते सुनिए, इसलिए नहीं लेते, इसलिए कि सहाबी खुद मुहताज है कि वो इस्लाम किसी से ले। तो हम तो ना चश्मे से पानी पिए, तो नाली से पानी पिए, सब पर हम हम्मल वाले। मुहर्रम से पहले कौन सा महीना है? ज़िलहिज का महीना। मुहर्रम से पहले अरबी महीना ज़िलहिज है। आप जरा तरतीब देखिए ज़िलहिज की क्या है। मैं खुद भी मुतवज्जे नहीं हुआ था, इस साल मुतवज्जे हुआ था। ज़िलहिज बहुत तवज्जो चाहूंगा। हज का महीना है। हज इस्लाम में एक यूनिवर्सल इबादत है, यानी तन्हा मुसलमान एक खित्ते का नहीं मुखातब है, सारी दुनिया का मुसलमान बुलाया जाता है ताकि इस्लाम की नुमाइश हो। मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं हज की तफसीर करूं, मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि ये जो गैदरिंग है ये ऑल वर्ल्ड गैदरिंग है, सबको बुलाया गया है। एक रुकन उसमें कुर्बानी है। बहुत तवज्जो चाहूंगा मैं आपकी। मुहर्रम से पहले कौन सा महीना? ज़िलहिज। दस ज़िलहिज को क्या होता है? कुर्बानी। ये कुर्बानी किसकी याद है? जनाब इब्राहिम और इस्माइल, यही है ना? दस ज़िलहिज गया, दस को हमें कौन मिला? इब्राहिम और इस्माइल मिले। बस मैं अपने अखबार में जल्दी जल्दी कहना चाहता हूँ, दस ज़िलहिज्जा को कौन बुला मिला मुहर्रम से पहले? इब्राहिम जैसा नबी, इस्माइल जैसा नबी। इसकी वजाहत दोस्तों ये है कि इसी इब्राहिम की सुलब से बाद में हमारा पैगंबर पैदा होगा। बहुत तवज्जो चाहूंगा। इसी इब्राहिम की सुलब से बाद में हमारा नबी पैदा होगा जिससे इस्लाम पहचाना जाएगा। तो दस ज़िलहिज्ज को इब्राहिम मिले, इस्माइल मिले, इसहाक भी इब्राहिम के दूसरे बेटे हैं, वो भी नबी हैं, मगर हमारा पैगंबर उनकी नस्ल से नहीं है। इब्राहिम का बेटा इस्माइल, इस्माइल का सिलसिला चला तो हमारा नबी पैदा हुआ। तो एक कुर्बानी दस ज़िलहिज्जा को इब्राहिम मिले, इस्माइल मिले, किताब नहीं मिली, पूरी मिसाल पेश की, पूरा आइडियल आपके सामने पेश कर दिया। भाई किताब रख के आप गुम कर सकते हैं, भूल सकते हैं, पन्ना फाड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर पूरा इंसान ही लाके खड़ा कर दिया जाए, देखो ये है, इसके पीछे चलना है, अब आप क्या कीजिएगा? इब्राहिम को इसीलिए पेश किया, इस्माइल को इसीलिए पेश किया ताकि इस कुर्बानी की याद मनाई जाए। और ये जो सलीका कुदरत का सलीका था, इस्माइल को बचाया, दुम्बा लिटा दिया, अब दुनिया दुम्बे के पीछे है और आज इस्माइल को भूल गई। जबकि ये था कि इस्माइल को भुलाया न जाए कि जो बाप और बेटे राह खुदा में अपनी गर्दन लिटा सकते हैं और झुका सकते हैं, उसका कारनामा कल कितना अजीब होगा। इसलिए ज़िलहिज्ज में इब्राहिम मिले, इस्माइल मिले,
18 को क्या हुआ? अठारह को क्या हुआ? पैगंबर आखिरी हज करना है, सहाबा का मजमा है, सारे चाहने वाले होंगे, मुख्तलिफ जगहों पर जिब्रील आएंगे, मगर आपको साइलेंट रहना, कुछ नहीं करना है, इंतजार करना है। असल वही कहां नाजिल होती है, कुदरत इंतखाब कर रही है, जिब्रील झांक झांक के देख रहे हैं, मजमे को कुछ नहीं पता। पैगंबर जैसा अमीन, पैगंबर जैसा अजीमुल मर्तबत इंसान, पूरा मजमा पीछे पीछे चल रहा, रोक दिया। 18 आ गए, तालाब कदीर कहते हैं तालाब, वहां रोका, पैगंबर कुरान सुनाइएगा, दोबारा कुरान नाजिल होगा। हाँ कहा जा सकता है, यौम अकमलतु लकुम दीनकुम वअतममतु अलैकुम निअमती वरदीतु लकुम अलइस्लाम दीना, कह सकते हैं कि एक तरीके से पूरा कुरान इसी आयत में आज दोबारा मुकम्मल हो रहा है, मगर बात इससे कहीं ज्यादा आगे है। आज तन्हा कुरान, कुरान साबित, कुरान साकित, खामोश कुरान पेश नहीं होगा, बात इससे बढ़ के आगे जाएगी। पैगंबर को 10 ज़िलहिज्जा के बाद 18 ज़िलहिज्जा में तारीख को दोहराना है, इब्राहिम की नस्ल से एक और मिसाल कायम होना है। आज पैगंबर अली को लेकर के हाथों पर आए हैं ताकि दुनिया के सामने दूसरी मिसाल पेश कर दे, ताकि भुलाने वाले भुला ना सके। अठारह को मौला कायनात को पेश किया, ये इसको यही रखिए। 24 ज़िलहिज्जा फिर आई, 24 ज़िलहिज्जा को क्या हुआ? अभी मुहर्रम नहीं आया है, 24 ज़िलहिज्जा मुबाहला, ये मुबाहला क्या है? अब तुम्हें अल्फाज बदलता हूँ ताकि ज़हनों में बात रह जाए। अभी तक मुसलमान मुखातब था, 18 ज़िलहिज्जा को 1,25,000 जो हाजियों का मजमा था वो मुसलमानों का, हाजियों का मजमा था। अब सिर्फ मुसलमानों से काम चलने वाला नहीं है, इस्लाम तो सबके लिए आया था, लिहाजा अब ईसाई मुकाबले पे आएगा, जिसका मजहब सारी दुनिया में इस्लाम से पहले सबसे बड़ा होगा। आज भी कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स सबसे ज्यादा इस दुनिया में पाए जाते हैं, तो अब इस्लाम वालों से नहीं बल्कि दूसरे मजहब वालों से मुकाबला तो एक नहीं पेश होगा, 5-5 पेश होंगे, ताकि पूरा घराना मुतारफ हो जाए कि कल अगर तुम रास्ता गुम करो तो इसी दरवाजे पे पलट के आ जाओ, यहीं से अली मिलेंगे, यहीं से फातिमा मिलेगी, यहीं से हसन मिलेंगे, यहीं से हुसैन मिलेंगे। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। मुहर्रम का चांद नमूदार होता है, मुहर्रम का चांद नमूदार होता है, पहली तारीख मुहर्रम। अब इब्राहिम को याद किया जाएगा, अब इस्माइल और इब्राहिम की कुर्बानी को याद किया जाएगा, और जो हक है उसी अंदाज से याद किया जाएगा, क्योंकि इसी कुर्बानी में कदीर पोशीदा है, कदीर में मुबाहला पोशीदा है, और कुर्बानी इब्राहिम और इस्माइल, खदीर और मुबाहले में आशूरा पोशीदा। ये तरतीब ना भूलिए, मुहर्रम से पहले ज़िलहिज्ज। लिहाजा मैं आपके सामने जिक्र करना चाहता हूँ, आगा जवाद मलिकी तबरेज़ी मशहूर अपने वक्त के मौलवी में आखदा, उनकी एक किताब है अल मुराक़बात, मानी हुई दुनिया शियत की किताब है अल मुराक़बात, उसके शुरू ही में आप आदाब अदादारी लिखते हैं। तवज्जो चाहूँगा, देखिए उलमा ने कितना काम किया है। हम समझते हैं कि खाली रस्म नहीं है, मेरे बुजुर्गों मेरे अजीजों, मुहर्रम रस्म नहीं है, ज़हन से निकाल दीजिए। आप यकीन करें
हमारा आलिम अपने एक एक मिनट का हिसाब करता है, यही नहीं कि कोई कलम कागज उठाए वही लिख के चला जाए कि कल आप पढ़ लीजिएगा हम भी लिखना जानते थे, ये नहीं है। ये लोग उन उरफा में से हैं कि एक चीज़ का हिसाब करते हैं, और मुराकबात के माना ही ये है कि अपनी ज़िंदगी का हिसाब व किताब रखो। किताब का नाम ही अल मुराकबात, ये इरफानी इस्तिलाह है, मुराकबा मुहासिबा न जाने कितनी चीज़ें आप उसमें लिखते हैं। आदाब अज़ादारी सुनिएगा, बहुत तवज्जो चाहूँगा। आज पहली मुहर्रम है, हम चाहते हैं कि सर्वे ही से ये बात आम हो, हमको भी सवाल मिले, हम भी हुसैनी मिशन में शरीक हों। दोस्तों अब हमारी नीयत होना चाहिए, बाकायदा नीयत होना चाहिए कि हम मजलिस हुसैन में अल्लाह के लिए शिरकत कर रहे हैं, ये नीयत होना चाहिए। नंबर एक, आगा जवाद मलिक तबरेज़ी लिखते हैं, नंबर एक, जैसे ही मुहर्रम का चांद नमूदार हो, कोशिश करो कि तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा लिबास, तुम्हारा रहन सहन का पहले से कुछ बदल जाए। आदाब अदाबदारी में जैसे ही चांद देखो पता चल जाए कि गम का महीना आ गया। फिर आगे कहते हैं, मजलिस का इन्हेकार करो, तवज्जो चाहूंगा इसमें रलती बराबर, आगा जवाब ये नहीं कहते मलिक तबरेज़ी मधु के मदन बहुत ज़्यादा नहीं, मजलिस होना चाहिए। चांद दिखा, मुहर्रम का आगाज हुआ, एक से लेकर दस की बड़ी अहमियत है, कहते एक से दस तक मजलिस का इन्हेकार, और कहते अपने घर में मजलिस का इन्हेकार। मतलब पढ़ के आदमी सोचता है ना, अपने घर में, इसका मतलब आपके नजदीक अहम है कि मजलिस अपने घर में, फर्श आजा अपने, यानी इमाम हुसैन इस लायक भी नहीं है, इतनी अजीम शख्सियत इमाम बाड़े में तो होगी, अपने अपने घरों में मजलिस। आगे सुनिए, बहुत तवज्जो चाहूंगा, हमारी फिक्र की इस्लाह किस तरह से की, और कहते हैं कि और अगर अपने घर में ना कर सको तो अपने दोस्त अहबाब के घर में मजलिस रखो। कोशिश करो, तवज्जो चाहूंगा इस लफ्ज़ पे, कोशिश करो कि बानिए मजलिस का पता ना लगा सके। कोशिश करो कि लोग ये ना समझ सकें कि मजलिस किसने रखी, हिस्सा किसने बांटा, खर्च किसने किया, ताकि दिखावा ना होने पाए। क्यों? इसलिए कि जिसने अपना कुनबा पेश किया उसने अल्लाह के लिए, तो ये सिफत तुम्हारे अंदर भी पैदा हो जाए। खुदा यकीन करे मुझ जैसे तालिबे इल्म को छिजोड़ कर रख दिया। हर आदमी अपनी जगह नियत कर सकता है, आप यकीन करें बहुत मुमकिन है। हम एक गिलास पानी का नियत करके कोई न देखे किसी अदादार को पिला दे, यकीन करें हमने मिशन में इमाम हुसैन की शिरकत की, हमारे नहीं ऐसी है तो 10 रुपया है हमने तबर्रुक में मिला दिया खामोशी से, 100 रुपया है मिला दिया, नहीं हम कुछ कर सकते पैसा, लेकिन कुव्वत भी है, फर्श तो हम बिछा सकते हैं, झाड़ू तो हम लगा सकते हैं, तबर्रुक तो हम लेके बांट सकते हैं। मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, बहुत अजीब बात है, कोशिश करो अपने घर में मजलिस का इंतजाम करो, घर में नहीं कर सकते तो अपने दोस्त अहबाब, और कोशिश करो किसी सूरत से पानी मजलिस को लोग पहचान न सकें। भाई यही तो आप लोग कहते हैं, यही तो हम सुनते आए हैं कि जब मजलिस हुसैन बरपा होती हैं तो सैयद शुहदा की वालिदा रुमाल लेकर के आ जाती हैं और कहती हैं अलादारो मैं तुम्हारा इस्तकबाल करने के लिए आ गई हूँ। नंबर तीन, मुहर्रम में लज्जत तर्क कर दो, तवज्जो चाहूंगा, ये सब हमारे बचपन में होता था, अब ये सब फीका हो रहा है। साल भर हम खाते, साल भर हम पीते, साल भर दावतें होती, लेकिन कम से कम पहली से 10 तक
लज्जतें कब करो, लजीज खाना ना करो। सोना कम कर, जब खुद कहते बातें ही कम कर दो। मुहर्रम के बाद लेकिन कम से कम पहले से दस्त रहो। क्यों? ताकि इमाम से नजदीक हो सके। आप तवज्जो कर रहे हैं, जो तीन दिन का भूखा प्यासा अपने बच्चे को अपने सामने तड़पता हुआ देखा और उसके लिए एक कतरा पानी मुहैया नहीं कर सकता, उसके दिल के ऊपर क्या दादा अगर जवाब मलकी तबेली कहते हैं कि लज्जतें तर्क कर दो ताकि अपने इमाम से कुर्बत पैदा कर सको। फिर कहते हैं मेरा बेटा है, उस वक्त कहते मेरा बेटा है अभी नौजवान है छोटा है, मैंने उसे देखा कि पहली मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक सूखी रोटी के अलावा कुछ इस्तेमाल नहीं करता, जबकि न हमने उससे कहा न उसकी माँ ने कुछ कहा न घर वालों ने। मैंने अंदाजा लगाया तो उसके दिल में इमाम हुसैन की सच्ची मोहब्बत आ चुकी। तो आप बिल्कुल आज भी है देहातों में, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि जब तादी का दौर पे आ जाते थे तो लोग अपनी चारपाइयां उल्टी करते थे, लोग लेटते नहीं थे। ये एहतराम था, ये बेजा एहतराम नहीं था, ये एहतराम बाकी रहना चाहिए, ये एहतराम आज भी बाकी रहना चाहिए। फिर फरमाते हैं कि अदा के लिए एक लिबास महसूस कर लो, कहा जाए अदादारी का लिबास, कोई भी एक लिबास अदा के लिए महसूस कर दो ताकि कहा जाए कि ये अदादारी का लिबास। और जब भी मजलिस में जाओ, जब भी सीनादारी करो तो वो लिबास पहन के जाओ, गोया वो कहना चाहते हैं कि लिबास भी अदादारी की शिनाख्त का जरिया होना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं, तकरीबन 10 बातें उन्होंने लिखी कि मैंने आपके सामने 2-3 पेश की। बस अगर खलूस नीयत हो पढ़ने वाले में, सुनने वाले में, बारी मजलिस में, आप यकीन करें मकसद मजलिस अदा हो गए। अरबाब अदा चांद रात पहली मुहर्रम अहले बैत के लिए बर्बादी की रात है, बर्बादी का दिन है। खानदान रिसालत पूजा गया, सहरा का घर तैयार हो गया, इमाम हुसैन सफर में कूफे वालों का खत मुसलसल इमाम की खिदमत में आ रहा है। आप कूफे आ जाइए, हमारा कोई इमाम नहीं, हमारा कोई रहबर नहीं, हम आपकी मदद करें, हम आपकी नुसरत करें। जब बहुत सारे खत इकट्ठा हो गए तो इमाम ने अपने चचेरे भाई मुस्लिम इब्न अकील को बुलाया, कहा मेरे भाई ये कूफे से हमारे बाबा के पास चाहने वालों के खतूत हैं, मैं तुम्हें कूफे भेजना चाहता हूँ, जाओ और वहाँ के हालात मुझे, अगर हालात अच्छे होंगे जैसा कि लोगों ने अपने खतों में लिखा है वैसे ही अगर उनका ख्याल भी होगा तो हम कूफा पहुँच जाएंगे। मुस्लिम तैयार हो, मुस्लिम के साथ दो रहनुमा भी तैयार हो। तारीख में वो इस तरह से है कि मुस्लिम मक्के से निकले और पहले मदीने आए, मदीने में आके रोज़े रसूल की ज़ियारत और फिर वहाँ से
कूफे के लिए रवाना हुए। लेकिन सहराई इलाकों में रास्ता मुहैया नहीं होता था, कभी कभी तूफान और हवाओं की वजह से रेगिस्तान में बालू और रेत के टीले बन जाते हैं, तो उसके लिए जो लोग वहां के हैं वो रास्ता सही बता सकते हैं। मुस्लिम चले तो थे, आधे रास्ते से ज्यादा तय कर चुके थे, पानी खत्म हो गया, लिहाजा जो उनके साथ रहनुमा थे वो हराफ हो गए, प्यासे मर गए। एक रहनुमा जामरत, पानी नहीं था, मुस्लिम भी निढाल नकाहत से चूर, लेकिन अम्र इमाम जैसे गोया मुस्लिम को आगे बढ़ा रहा था, मुस्लिम के कदम नहीं रुके। मेरे आका ने मुझे भेजा, मुझे किसी सूरत से कूफे पहुंचना है, प्यासे तशना थके हुए। एक रहनुमा दुनिया से जा चुका है, दूसरा जामला भी, उसने इशारा किया, कहा वो सामने जो पट्टी जा रही है कुछ जानवरों के आने जाने की तस्वीरें दिखाई दे रही, वहां अगर पहुंच जाओ तो तुम्हें रास्ता मिल जाएगा, और वो भी दुनिया से गुजर गया। अब मुस्लिम अकेले हो, किस तरह से पहुंचाया नहीं मालूम, उस रास्ते पर पहुंच गए। मुस्लिम कूफे आए, पर जल्दी जल्दी मुस्लिम कूफे आए तो चाहने वालों से मिले, इमाम का पैगाम पहुंचाया, बहुत खुश हुए, लोगों ने लबैक कहा, 18,000 आदमियों ने आपके हाथ पर बैत कि हम अपने इमाम की नुसरत करेंगे। उधर यजीद को खबर हुई, यजीद ने उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को कूफे का गवर्नर बना करके भेजा। रात के सन्नाटे में उबैदुल्लाह आया और इसने अपने चेहरे को छिपा लिया, जाहिर ये किया कि जैसे कोया खुद हुसैन कूफा तशरीफ ला रहे, कूफी जमा हो गए, लबैक या हुसैन के नारे लगाने लगे, वो दारुल अमारा में चला गया, रात भर दारुल अमारा में नक्शे बनाए, तैयारियां की, और सबसे पहले कि मुस्लिम का ठिकाना कहाँ है, मुस्लिम को गिरफ्तार किया, मुस्लिम को पता चला, मुस्लिम एक फकीर समझदार नहायत सहीन इंसान का नाम, उन्होंने भी अपने ठिकाने बदलना शुरू किया, एक जगह कभी नहीं रहे, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर और अपने साथियों के साथ, मुस्लिम कामयाब अपने साथियों के साथ, जब तक के उनके असली ठिकाने का पता नहीं लगाया, मुस्लिम की सियासत बहुत कामयाब थी। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने अपने खास गुलाम को रिश्वत देकर के भेजा और उसे मक्कारी सिखाई कि जाओ और जाकर जाहिर करो कि मैं अहले बैत का चाहने वाला हूँ, खुम्स का पैसा लेकर के आया हूँ और ये मैं देना चाहता हूँ, और अल्लाह के फजल से मैं अहले बैत की मोहब्बत हमारे दिल में आ गई और ये इनायत हुई, तो मैं वो ले करके आया, और इस तरह से मुस्लिम के ठिकाने तक पहुँच गई। अब इसमें बड़ी बात है, मुस्लिम ने उसे कबूल कर लिया और उसने आमदोरफ शुरू कर दी। एक एक खबर मुस्लिम की उबैदुल्लाह को पहुँचाता था, उबैदुल्लाह को इंतज़ार है कि कब हमला किया जाए। रात का वक्त है, बस बहुत जल्दी रात का वक्त है, इमाम कुछ खबर नहीं, इमाम ने उधर मुस्लिम को रवाना कर दिया, खुद मक्का छोड़ दिया और आप रास्ते में, इधर मुस्लिम कूफे में, और मुस्लिम को खुद इमाम की कोई खबर कि हमारा मौला किस हालत में, क्यों, इसलिए कि वहां सरगर्म है। रात का वक्त है, कूफे का माहौल उबैदुल्लाह के बिल्कुल कंट्रोल में आ चुका है, बड़े बड़े लोगों को रिश्वत दी गई, जो शियों के सरदार थे उनको या जेल में डाल दिया गया या कत्ल कर दिया गया। अब कूफे में एक अफरा तफरी का माहौल है, मुस्लिम मस्जिद में दाखिल हुए, नमाज पढ़ी, अच्छा खासा मजमा था, जब मगरिब के लिए
नमाज पढ़ के सलाम फेरा तो 12 लोग या 18 लोग, और जब ईशा की नमाज आपने तमाम की तो मुस्लिम अकेले, ये मजबूरियत है मुस्लिम। गरीब तैयार मुस्लिम, मुसाफिर मुस्लिम, कूफे की गलियों से आशना नहीं, शहर से आशना नहीं, अफराज से आशना नहीं, एक मुसाफिर कहाँ जाए, किसके घर पनाह ले, बेपनाह मस्जिद से निकले, वजीफा पढ़ करके ताकीबात पढ़ के मस्जिद के दरवाजे से निकले, यूं ही गलियों में चहलकदमी करने लगे, किसके यहाँ जाए। चलते चलते थक गए, प्यास का गलबा हुआ, एक दरवाजे पे सर झुका के बैठ गए। इतने में दरवाजा खुला, एक बूढ़ी औरत निकली, उसने देखा कि दरवाजे पर कोई बैठा हुआ है, दरवाजा बंद कर लिया, अंदर चली गई। फिर दरवाजा खोला, बाहर आई, छान के देखा, फिर वो आदमी बैठा हुआ, तो सवाल किया, ऐसे मुझे तो माहौल खराब है, तू अपने घर क्यों नहीं जाता, और ये कह के दरवाजा फिर बंद कर दिया। तीसरी मरता फिर दरवाजा खोला, देखा वो शख्स वहीं बैठा हुआ है, तो उसने कहा कि मैं तुझसे कह रही हूँ पर तू जाता नहीं, तू अपने घर क्यों नहीं जाता। पता मुस्लिम ने सर उठा करके कहा, मैं मुसाफिर हूं, मेरा कोई घर नहीं है। तो बूढ़ी औरत ने कहा, आप कौन हैं? तो मैं मुस्लिम इब्ने अजीज चाहने वाली थी। मर्तबा दिल धक से हो गया, अरे मुस्लिम मेरे दरवाजे पर, मेरे आका, मेरे सरदार, आइए मेरे घर में आइए, आपका घर, मैं आपकी कनीज। मुस्लिम ने कहा, मैं प्यासा हूँ, पहले मुझे पानी पिला दे। मैं कहूँगा मुस्लिम पानी पी लीजिए, फिर उसके बाद पानी नसीब कर दूँ। मुस्लिम ने पानी तो पी लिया, घर के अंदर चले गए, मगर मुस्लिम को नींद नहीं आती। उस मोमिना ने खाना ला के रखा, मगर मुस्लिम ने खाने बुखार नहीं लगाया, थके हुए थे, बिस्तर पर लेट गए, थोड़ा सा नींद आई। तारीख में लिखा, मुस्लिम ने ख्वाब में देखा रसूल खुदा तशरीफ लाए। मुस्लिम समझ गए मेरी जिंदगी का आखिरी वक्त, मतबा उठे, उठ करके बैठ गए, फिर मुसल्ले पे आ गए, नमाज पर, बिस्तर पे गए, नहीं सो सके, फिर मुसल्ले पे आए। इस तरह से रात गुजारती, शहर की अजान होने लगी। मुस्लिम ने एक मरतबा तलवार हिमायत की, फौजी लिबास पहना, वो मेमिना आई, कहा मेरे सईद सरदार, क्या बात है? मुस्लिम ने कहा, आवाज नहीं सुनती, मुझे गिरफ्तार करने के लिए सिपाही आ रहे हैं। जैसे मोमिना ने सुना, देखा घोड़ों की डाकों की आवाज, और थोड़ी ही देर में इस मोमिना ने घर को घेर लिया। तकरीबन 500 सवार एक अकेले मुस्लिम को गिरफ्तार करने के लिए। मुस्लिम बाहर निकलना चाहते, मगर मोमिना ने दरवाजा रोक लिया, कहा आका आप घर से बाहर न निकल। मुस्लिम ने कहा, नहीं ये नहीं हो सकता कि मेरे होते हुए तुम्हारे ऊपर कोई आज आ जाए। मुस्लिम घर से बाहर आ गए, तलवार चलाना शुरू की। अजीब गरीब किस्से लिखे हुए हैं, अकेले मुस्लिम लड़ते जाते हैं और कूफे की फौज पीछे हटती जाती है, मुकाबला नहीं कर पाती, मगर मुस्लिम अब जख्म पे जख्म खा रहे हैं।
तलवार पे तलवार लग रही है मगर हमला करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक मरतबा मोहम्मद इब्ने अशअस ने उबैदुल्लाह को फिर एक पैगाम भेजा कि और फौज भेजे, इसलिए कि हम तनहा इन फौज के साथ मुस्लिम को गिरफ्तार नहीं कर सकते। उबैदुल्लाह नाराज हो गया और उसने कहला भेजा कि एक आदमी की गिरफ्तारी के लिए तुझे इतनी फौज दरकार है, तू निकम्मा है, तू गिरफ्तार नहीं कर सकता। मोहम्मद इब्ने अशअस ने कहा, उबैदुल्लाह तुझको पता नहीं ये बनी हाशिम की तलवारों में से एक तलवार है। जब तक फौज नहीं आएगी हम मुस्लिम को गिरफ्तार नहीं कर सकते। अरबाब अल्लाह मुस्लिम को गिरफ्तार नहीं किया गया, मुस्लिम को गिरफ्तार नहीं किया गया, एक गढ़ा खोदा गया और उसे ढाका गया और मुस्लिम को लड़ते लड़ते उस गढ़े तक लाया गया। मुस्लिम को क्या पता कि आगे हमारे लिए क्या इन लोगों ने नक्शे बनाए। एक मरतबा मुस्लिम घोड़े समेत उस गढ़े के अंदर गिर पड़े, चारों तरफ से फौज आ गई, मुस्लिम को गिरफ्तार कर लिया गया। बस मैंने सहमत तमाम कर ली, मुस्लिम की हाथों को बांध दिया गया, दारुल अमारा की तरफ खींचते हुए ले करके आए। अरे सर जख्मों से चूर है, दांत जख्मों से चूर है, होंठ कट चुके हैं, खून जारी है और प्यास का गलबा है, प्यास की शिद्दत है। एक मरतबा दरबार में ज़ियारत में लाए गए, दरबार को देखा, दरबार सजा हुआ, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद मस्जिद पर बैठा हुआ, बड़ी हैरत से देखा और सर झुका लिया। किसी ने कहा, मुस्लिम तुमने अमीर को सलाम नहीं किया। मुस्लिम ने उसे देखा, कहा मेरा अमीर हुसैन के अलावा और कौन हो सकता है। उबैदुल्लाह ने कहा, सलाम करो या ना करो कत्ल हो गए। मुस्लिम खामोश, मतलब लफ्जी जंग शुरू हुई। उबैदुल्लाह ने अपनी पस्ती दिखाई, मुस्लिम को कहा, तुम शराबखोर हो, तुम झूठे हो। मुस्लिम ने कहा, कहने वाला खुद अपनी जिंदगी के सफात को भूल गया है, न कभी हमने झूठ कहा, न कभी हमने शराब को अपने सवान और अपने होठों को लगाया, तो झूठा है। तूने मुसलमानों का खून बहाया, तूने मुसलमानों को कैदखानों में डाला, तूने मुसलमानों के घर को गिराया और आज मस्तक बैठा हुआ अल्लाह का नाम लेकर और अल्लाह के नाम से मुसलमानों का खून बहाता है। उबैदुल्लाह को जला लाया, कहा मुस्लिम को दारुल अमारा की छत पर ले जाओ और उसे कत्ल कर दो। और जैसे ही मैं छोड़ रहा हूँ, मुस्लिम दारुल अमारा की छत पर लाए गए। मुस्लिम ने कहा, इजाजत दो दो रकत नमाज पढ़। अरबाब इजाजत मिली, नमाज से पहले एक मरतबा मजमे को देखा, साहिब ने ज़ियाद मेरी कुछ वसीयत है, क्या है कोई उमर साथ बैठा हुआ। उमर साथ बैठा हुआ था, चूंकि कबीला वही था, हाशमी घराने ही से था, इसलिए मुस्लिम ने उमर साथ से कहा, तू हमारे कबीले का है, ज़्यादा मेरी कुछ वसीयतें सुन ले। उमर साथ दिखा हुआ आदमी था, उसने उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को देखा। इब्ने ज़ियाद ने कहा, क्या मुदायका है, क्या देख, क्या मुस्लिम कहना चाहते हैं, सुन ले। उमर साथ आया, मुस्लिम ने वसीयतें करना शुरू। मैं कूफे में आया हूँ, मकरूज हो गया हूँ, मेरी तलवार और मेरा बेच के मेरा कर्ज अदा कर, जब मुझे कत्ल कर दिया जाए तो मेरे बदन को लेकर के दफन कर देना। और एक वसीयत, और वो वसीयत ये है कि मैंने अपने आका से वादा किया, मैंने अपने आका को खत लिखा, अब हमारी तरफ से मेरे आका को यह पैगाम पहुंचा दो कि आका कूफे ना आइए। ए उमर साहब, मेरे आका हुसैन को यह पैगाम पहुंचा दे कि आका अब कूफे ना आइएगा, कूफे के लोग बहुत बेवफा हैं। अरबाब अल्लाह मुस्लिम की वसीयत तमाम हुई, बस मैंने ज़हमत तमाम कर दी, मुस्लिम की वसीयत तमाम हुई। एक मरतबा जालिम
चली, अरे गर्दन जुदा हुई, आवाज गलत हुई, अस्सलाम वालेकुम या अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या रसूलल्लाह, ये आवाज हवा के दोष पर सवार होकर के हुसैन के कानों से टकराई। एक मर्तबा हुसैन ने कूफे का रुख करके कहा, अस्सलाम वालेकुम, ए मेरे चचेरे भाई मुस्लिम, तुम पर मेरा सलाम हो। अरे आंखों में आंसू आ गए, खैमे में तशरीफ लाए, मुस्लिम की बेवा को बुलाया, यतीमा को बुलाया, अपने दानों पे बिठाया, सीने से लगाया, बच्ची समझ गई, ए चचा अगर मेरा बाबा दुनिया में न रहेगा तो क्या ऐसे ही प्यार करेंगे, तो जैसे ही ये दूल्हा छुड़ा, हुसैन ने सीने से लगा लिया, ए रुकैया बेटी, आज से तू मुझे अपना बाबा कहना, तेरा बाबा बाहर आ गया, फसयान मुल्लतीन गलमू, अय्यम कलबीय उस पर अमल की तौफीक मरहमत, मेरे मालिक हमारे इस मुल्क में अमन अमान पैदा कर, मुसलमानों में इत्तेहाद इत्तेफाक और मोहब्बत की इजाद कर, खुसूसन शियों में मोहब्बत और अकीदत की इजाद कर, परवरदिगार हमारे जवानों में इल्म अमल का जज्बा पैदा कर, हमारे बुजुर्गों में वक़ार पैदा कर, हमारी औरतों में इफ़्फ़त और पाकदामनी पैदा कर, परवरदिगार जहाँ कहीं भी फर्श अदा बिछी हुई है, परवरदिगार इस फर्श अदा की हिफाजत कर, परवरदिगार हम सबको तौफीक कि हम इस फर्श अदा के हकीकी पासदार और वारिस बन सकें, परवरदिगार हमारे इन कलील तवस्सुलात को हमारे इमाम हादिर की खिदमत में पहुँचा दें, हमारे इमाम को हमारे रफ्तार और किरदार से राज़ी और खुशनूद कर दें, परवरदिगार जो लोग बीमार हैं उनको शिफाए कामिल व आजिल अता फरमा, खुसूसन इस क़रिये में जो लोग बीमार हैं उनको शिफाए कामिल व आजिल अता फरमा, मेरे मालिक हम सब की परेशानियों को दूर फरमा दें, परवरदिगार जो लोग बेरोजगार हैं उनको हलाल वसी रोजी इनायत कर, परवरदिगार जो लोग बे औलाद हैं उनको नेक और सालेह औलाद इनायत कर, परवरदिगार उलमाए आलम का साया हमारे सरों पर कायम और टाइम रख, परवरदिगार हमारे इमाम का ज़ुहूर जल्द 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 फरमा दे, हम सब उनके असहाब अंसार में शामिल करते, मातम हुसैन।